गाइस, माय नेम इज आदित्य एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो आज का सीन ऐसा है कि आज संडे है एंड आज हम लोग जा रहे हैं लवासा। सो लवासा बेसिकली पुणे से 60 किलोमीटर्स दूर है। इट इज़ द फर्स्ट प्लान्ड सिटी। सो हम लोग 9 बजे के अराउंड निकले थे पुणे से एंड इट्स 9:57। अभी हम लोगों ने एक स्टॉप लिया हिंजेवाड़ी में, यहाँ पे मैगडी आए हम लोग खाने के लिए क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी थी। सो अभी जो आप लोगों ने शॉट देखा उसके कॉन्सिक्वेंसेज ये हो सकते हैं। हमारा कोल्ड ड्रिंक पूरा यहाँ गिर चुका है, हमने दूसरा लिया, अब खा लें। सो वी जस्ट मेड इट ओवर हियर टू लवासा एंड मैं आया हूँ अपने भैया के साथ अनुभव। इनको आपने पहले भी ब्लॉग्स में देखा होगा, जो हम लोग लोनावला गए थे तो वहाँ भी ये गए थे। तो ऐसे ऐसे जब एग्जॉटिक डेस्टिनेशन पे मैं जाता हूँ तो इनके साथ ही जाता हूँ। नेक्स्ट कहाँ जा रहे हैं अपन? महाबलेश्वर नहीं तो काशी। अपन हमेशा हनीमून डेस्टिनेशन पे साथ क्यों जाते भाई? ताकि जब असली टाइम आए तो हमें सच्चाई का पता हो। सही बात है, पैसे कहाँ लगने हैं। सही है। तो अभी हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं एंड बहुत ही बेहतरीन लग रहा है यहाँ पे फिलहाल। तो हमने गाड़ी वहाँ पार्क की थी, यहाँ पे एंट्री फी 200 टू व्हीलर का एंड फोर व्हीलर का 500। तो बेसिकली लवासा ऐसा है ना कि लवासा जो है वो इंडिया का फर्स्ट प्लान्ड सिटी है एंड यहाँ पे एक आर्टिफिशियल लेक बना रखा है उन लोगों ने, जो कि ये जो लेक है ये आर्टिफिशियल लेक है। यहाँ पे बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स वगैरह भी होते हैं, तो अगर आप आ रहे हो काफ़ी सारा वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हो आप यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो कि अबैंडनड हैं, और वो अबैंडनड इसलिए हैं क्योंकि ये प्रोजेक्ट जब बन रहा था तो काफ़ी अच्छा प्लानिंग हुआ था कि ये बहुत अच्छे तरीके से बनेगा, लेकिन फॉर सम रीज़न प्रोजेक्ट आधे पे रुक गया। एंड अभी भी जो बहुत सारी बिल्डिंग्स है, जैसे कि वहाँ पे आप देख सकते हो एक बिल्डिंग है और उस तरफ एक आध बिल्डिंग है जो आधी कंप्लीट हुई है, पूरी कंप्लीट नहीं हुई है अभी क्योंकि प्रोजेक्ट रुक गया आधे में, तो ज़्यादा मेंटेनेंस वगैरह नहीं हो पा रहा है। वैसे जितना भी अभी है ये बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही खूबसूरत है, मतलब एक ना एक बार आप लोगों को ज़रूर आना चाहिए यहाँ पर। फिलहाल बहुत धूप हो रही है, मैं जाता हूँ अंदर। Cause when it's all over, the love that you give will be there to guide you. So we just came here for some ice cream because bahut dhoop hai bahar. We've been through the cold and darkest day. Ye jo Lavasa city ko design kiya gaya hai, ye ek Italian city hai, पोर्टोफिनो, उसके थीम पर डिज़ाइन किया गया है। तो बहुत सारे कलरफुल बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगे एंड बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी मिलेंगे जिनका नाम इटालियन है। एंड ये चेयर वेयर जो ऐसा यहाँ पे सेटिंग किया गया है, ये काफ़ी ऐसा फील आने के लिए किया गया है ताकि ये इटली लगे। सो और लग भी रहा है वैसा ही। देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं हमें यहाँ पर और क्या क्या बढ़िया मिलता है। हमने यहाँ पर सभी आइसक्रीम खाए थे, तो ये शॉप है। सो हम लोग थोड़ा वेट कर रहे हैं कि धूप थोड़ा कम हो जाए, उसके बाद हम लोग घूमें क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा धूप है, 2 बज रहे हैं। सो हम लोग और एक आध घंटा इधर उधर चिल मारेंगे थोड़े छाँव में, फिर 4:30 बजे जब थोड़ा धूप कम हो जाएगा उसके बाद हम फन करेंगे। सी यू देन। आपको एक बात बताएं, आपने जोकर मूवी देखी है? हाँ। उसमें जो जोकर एक स्टेयर्स होते हैं वहाँ पे डांस कर रहा होता है, बहुत फेमस है यार वो डांस, है ना? वो पता है शूटिंग यहाँ पे हुई है? डोंट टेल मी, यहाँ पे हुई है। डोंट टेल मी दिस, यहाँ भाई यही है। I'm not buying any of this. सच में, ट्रू स्टोरी ब्रो। नो ब्रो। सीरियसली, चलो अपन भी यहाँ पे वैसे डांस करते आ जाओ। Ha ha ha!
Hey guys, तो अभी 3:28 हो रहा है एंड हम लोग यहाँ पे खाने के लिए आए हैं एंड सरप्राइजिंगली यहाँ पे जितने सारे रेस्टोरेंट सब अंडर मेंटेनेंस हैं, एक दो खुले हैं जो बहुत ज़्यादा ओवर प्राइज्ड हैं तो हम लोग वहाँ पे नहीं खा रहे हैं। बिस्किट्स के 2-4 पैकेट्स लाए थे तो अब हम लोग वो खाने वाले हैं एंड उसके बाद फिर थोड़ा बहुत घूमेंगे जब धूप थोड़ी कम हो जाएगी। अभी बहुत धूप है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा धूप है, सो वो जब कम हो जाएगी उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत घूमेंगे एंड फिर घर निकल जाएंगे। सी यू देन। ओके, सो यहाँ पर आप लोगों को, आप जब यहाँ पर आते हो तो यहाँ पे मैंने जैसे आप लोगों को बताया बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स वगैरह हैं, तो यहाँ पर ना और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ये साइकिल है, इसमें दो लोग बैठकर चला सकते हैं, बच्चों का भी है, वहाँ पे एक ट्रेन है एंड ट्रैम्पोलिन भी है, बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर, क्रिकेट भी खेल सकते हो आप, वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आप कर सकते हो, सो दैट इज़ प्रीटी कूल। और अब हम लोग फ़िलहाल यहाँ से जाने वाले हैं क्योंकि 4:30 हो चुका है ना, हमें फिर वापस एक और जगह पे भी जाना है, तो अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे फटाफट, यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करके फोटोग्राफ्स वगैरह लेके। सच में काम करता है ये? हाँ, सामने खड़ा हो बताता। आप इस पे बैठो ना, मैं आपको लॉन्च करूँगा वहाँ। नहीं हो पाएगा, इधर से हो जाएगा, सामने दीवार में चिपकूंगा ऐसे करके, फोटो चिपकेगी, ठीक है, ऐसे करके फोटो बनानी है। टॉम एंड जेरी में जैसे होता नहीं था, ऐसे करके फोटो। चलो चलो चलो, लेट हो जाएगी भाई। सो नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल सिटी। ऑलराइट, तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं एंड कितना टाइम हो रहा है? टाइम जितना हो रहा हूँ, मैं सोच रहा था कि 26 जनवरी पे इतने लोग आए हैं, इतने कपल्स हैं, वैलेंटाइन डे पे क्या हाल होगा इसका? एक्चुअली आज बहुत सारे कपल्स आ रखे हैं, मतलब जहाँ देखो वहाँ कपल्स, यहाँ हम दोनों अकेले घूम रहे हैं, मतलब किस्मत किस्मत की बात है। कोई बात नहीं, बकवास बंद करते हैं और हम लोग यहाँ से निकलते हैं। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो पुणे में रहते हैं एंड जो पुणे आ रहे हैं लवासा घूमने वगैरह, तो उनके साथ भी शेयर कर सकते हो आप। एंड कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा वीडियो और ज़िंदगी में खुश रहिए। बाय बाय, हैप्पी रिपब्लिक डे। या हैप्पी रिपब्लिक डे, बट ये वीडियो रिपब्लिक डे के बहुत बाद आएगी। इट्स ओके, तो नेक्स्ट ईयर के लिए हैप्पी रिपब्लिक डे। बाय, पीस। As we wait for the smoke to clear and we watch our dreams appear, I know that we can rise together. This vision that we share is ours. Together we can touch the stars. I know that we will see December. 'Cause when it's all over.